ये वीडियो जीवतिया के एक दिन पहले नहा खा के दिन का है। ये रात में हम लोग चिलो सियाड़िन को खाना देते हैं। ये पराठा, सतपुतिया और झिंगुनी का सब्जी, नोनी का साग और दही चूड़ा है। इसे हम लोग चिलो सियाड़िन को देंगे और साथ में पानी ऐसे ऐंच के और उनको खाने के लिए दे देते हैं। इस तरह के सब लोग व्रत की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक आरपी लाइव ब्लॉग। और मेरा गला थोड़ा भारी लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ। अभी नहीं, मतलब मैं उठ गई थी मैं मॉर्निंग में ही। उसके बाद मतलब फिर सो गई थी मैं। और आज है जीवतिया। जी हाँ, जीवित का पुत्र कितने लोग बोलते हैं, बट हम लोग जीवतिया ही बोलते हैं। तो आज मेरा फास्टिंग है और ये ब्लॉग कोलकाता से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि पिछले ब्लॉग से आपको पता चल गया होगा कि मैं कोलकाता में हूँ और ये मेरा पहला ब्लॉग है जो कोलकाता में स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी मम्मी से मिलाती हूँ। माँ, झोला देखिए, मम्मी झोला लेके आ रही है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं अभी मार्केट पूजा का सामान लेने के लिए। हाय कर दीजिए सबको। हाय। और देखिए ये भी नेचुरल लाइट आ रहा है, मतलब लाइट वगैरह नहीं जला है, सिर्फ सूरज की रोशनी। इतनी गर्मी है और पीछे अंधेरा है, सामने लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट पूजा का सामान लेने के लिए, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। चलिए मार्केट हम लोगों के साथ। ये मेरा स्कूल है, मैंने यहाँ पढ़ाई की है। चुकी है बट इतनी हार्ड गर्मी है ना कि मतलब क्या ही बोले हम लोग। और ऐसा इंसिडेंट हुआ है हम लोगों के साथ, पूरा मार्केट घूम लेने के बाद भी हम लोगों को पूजा के लिए फोटो नहीं मिला जीमूत वाहन का। फिर लास्टली मैंने क्या आइडिया लगाया पता है, गूगल से डाउनलोड किया फोटो, देन उसका प्रिंट आउट निकलवाया कि अब क्या करना है, पूजा तो करना है ही किसी हाल में, और भगवान का फोटो ही नहीं रहेगा तो फिर पूजा कैसे करेंगे हम लोग। तो ये दिमाग लगाया मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवाया एंड देन फोटो उसका निकालने के बाद अब हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं। और इस गर्मी में हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ भी शूट करने वाली हूँ। डायरेक्ट पूजा में मिलती हूँ आपको शाम के, क्योंकि तो हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है कोलकाता में, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं घर। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए और अभी पूजा करने जाना है। शाम होने वाली है, अभी शाम हुआ नहीं है। नौमी चढ़ने से पहले जीवतिया का पूजा करना है। और आज कैमरा मैन मेरी मम्मी बनी हुई है, पकड़ी हुई है क्योंकि कोई है नहीं, अभी सभी काम पे है, सभी बाहर है, ऑफिस में है, तो इसलिए मम्मी को मैंने कैमरा मैन बना के खड़ा कर दिया है। और पता ही है जिनको कैमराज वगैरह के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, वो आप जैसा बोलोगे बस उस पोजिशन में खड़ा रहेगा। तो मम्मी भी वही कर रही है। तो बिना किसी देरी के, वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा फीवर है, मेरा आँख भी जल रहा है और मतलब सर्दी भी हुई है, बट क्या कर सकते हैं पूजा तो करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पूजा। चलिए वहाँ मिलते हैं आपसे, पूजा करना शुरू करते हैं। बैठ गई हूँ मैं सामने पूजा की, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। सबकी अलग अलग तरीके से पूजा होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, thank you.
बार नेमी शरायन के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण कार्य सुख जी से पूछा है, सुख जी कराल कालिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सुख जी बोले, जब द्वापर कालंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय चुकी है, पसीना देख के आपको पता चल ही रहा होगा, एनर्जी पूरा लो हो चुका है और क्या कर सकते हैं। तो मैं पूजा ऐसे करती हूँ, मेरे यहाँ ऐसे पूजा होती है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो मैं आपसे मिलूँगी अब कल मॉर्निंग में, पारण के समय दिखाऊँगी कि कैसे हम लोग पारण करते हैं, उसमें क्या किया जाता है। और आपके लिए मैंने फास्टिंग किया है ये, हाँ। और आप मम्मा को इतना परेशान करते हो, बताओ, नहीं ना करते है? चलो किसी दिन और मेरी मम्मी अभी तुलसी जी को अगरबत्ती दिखा रही है तो वो घंटी बज रहा है। मिलती हूँ मैं आपसे कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग हो चुकी है और अभी पारण नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा आइटम बनता है, जैसे कि कढ़ी चावल दाल भात चावल सेम ही होता है, और बहुत सारे पकौड़ा सब्जी ये सारी चीज़ें बनती है। उसके बाद उसको दिया है, जो पितर लोगों को दिया था वो मम्मी दे दी है। और अब ये जो जूतियाँ है जो कल पूजा हुआ था उसको हम लोग पहनेंगे, पहन लो भाई अच्छे से। ये जो है जिसका बड़ा बनता है, कितने लोग धोई बोलते हैं, कितने लोग उड़ीद बोलते हैं, तो हम लोगों में जिसका एक बेटा है वो ढाई जौ को सीधा निकल लेता है, मतलब पानी से, और तब अपना व्रत तोड़ता है। तो जिसके दो हैं वो पांच, जिसके तीन हैं उस हिसाब से, मतलब एक बच्चा पे ढाई जौ को घोट के और पारण तोड़ा जाता है। तो अभी मैं इसको खा के पारण करती हूँ। मम्मी,
मम्मी भी तो फाइनली अब हम लोग चाय पानी कुछ भी पी सकते हैं। मैंने पानी तो पी लिया और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। और मम्मी एकदम फ्री के पास खड़े होकर अंधेरा कर रही है तो रोशनी जा रहा है तो इस वीडियो को मैं यही क्लोज करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमें रखती हूँ अगले वीडियो में।